साथियों, इस टॉपिक में कोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें 1989 से 2016 तक की रजिस्ट्रियां हैं उसके अनुसार कैंसिल हो सकती है 100%। ठीक है, और संपूर्ण जानकारी जो कोर्ट का आदेश है उसके बारे में, ये जो आदेश जो है, यहाँ पे मैंने दो आदेश आपके लिए रखे हैं जानकारी के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये मैटर किस पे है। देखिए साथियों, 1989 से 2016 तक, 2016 से 2023 तक यदि आपने कोई भी एससी एसटी की ज़मीन जो है वो बिना परमिशन खरीद ली है, तो एक कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है जिससे ऐसी सारी रजिस्ट्रियाँ 100% जो है वो कैंसिल होंगी, जिसे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी कानून नहीं बचा सकता आपने। ठीक है, कैसे वो आप जान लीजिए। ठीक है साथियों, एक चीज़ साथियों मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं, कोई इस पर केस विवाद, कोई फर्जी रजिस्ट्री, डबल रजिस्ट्री, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, ये आदेश जो है, आदेश दिया है सुमन चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। क्या आदेश दिया है? इसमें आदेश दिया है जो व्यक्ति एससी एसटी की ज़मीन जो है वो कभी भी बिना परमिशन के खरीदी है, यानी कि 1989, यानी कि लगभग बता रहा हूँ 1989 जब से ये कानून आया है, 2016 तक, 2016 में फिर ये कानून आया है 2023 तक। ठीक है, जिसने भी बिना परमिशन की ज़मीन खरीदी है, वो ध्यान दे कि फुटकर दुकान का दिया जाना अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा भूमिधर का अंतरण, यानी कि बैनामा। ठीक है, फुटकर दुकान दिए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, अनुसूचित जात के सदस्य द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख उसके समर्थन में प्रेषित किया गया, सक्षम प्राधिकारी होते कलेक्टर, अनुज्ञा नहीं दी गई, फुटकर दुकान दिए जाने के लिए अंक देने के लिए पट्टे पर विचार नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि और भूमि व्यवस्था अधिनियम धारा 157 का के प्रावधान, धारा 157 साथियों जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, अब 2016 में संशोधन हो गया है, धारा 98 बना दी। ठीक है, धारा अभी खत्म नहीं हुई। ठीक है, क्या भूमि व्यवस्था अधिनियम केवल कृषि भूमि पर लागू होगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक, कि क्या ये रिस्ट्रिक्शन केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे? कई लोग कहते हैं हम तो प्लॉट खरीद रहे हैं, हम तो मकान खरीद रहे हैं, हम तो दुकान खरीद रहे हैं, तो उस पर ये लागू होंगे? देखिए, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यह धारित किया गया कि 157 का में यह प्रावधान नहीं किया गया, जो कि वर्तमान में 158 सॉरी वर्तमान में सेक्शन 98 है, कि यह केवल कृषि भूमि पर लागू होगी। क्या प्रावधान नहीं है? कहीं भी नहीं लिखा कि यह कृषि भूमि पर लागू होगी। यह धारित किया गया कि कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, उसे ठीक ही उपेक्षित कर दिया गया। साथियों, रिस्ट्रिक्शन जो है वो पट्टा विलेख पे लगे, बंधक पे लगे, अंतरण पे लगे, वसीयत पे लगे, सब पे रिस्ट्रिक्शन लगे कि आप नहीं कर सकते किसी को, अदर कास्ट के को। ठीक है, और आपने कर दिया तो ठीक ही उसे उपेक्षित कर दिया, उपेक्षित यानी कि उसे नकारना, अनदेखा, शून्य कर दिया। यदि सक्षम प्राधिकारी यानी कि कलेक्टर की इजाजत के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य पट्टा विलेख निष्पादित किया जाता, तो उसे उपेक्षित किया जा सकता है। यानी कि साथियों, आपने एससी एसटी किसी भी वर्ग के व्यक्ति से 1989 से 2023 तक अगर आपने रजिस्ट्री करवाई है, बिना परमिशन करवाई है, तो वो रजिस्ट्री कैंसिल होगी या शुरू से ही कैंसिल है। अभी मैं शुरू से भी कैंसिल है वो दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब बात आती है 2016 के बाद क्या चेंज हुआ था। 2016 के बाद चेंज हुआ सेक्शन 81 सबसेक्शन 2, इसमें जोड़ दिया गया, जिससे आप सेक्शन 81 करा के ले सकते हैं, जैसा कि मेरी समझ में आता। ठीक है, आप भी इस कानून को पढ़ सकते हैं या मुझसे PDF के रूप में ले सकते हैं साथियों। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट कानून पे, जो इसी के ऊपर है, सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण प्रभाव। यानी कि आपने कलेक्टर के बिना परमिशन के खरीद ली है जमीन, उसका प्रभाव क्या होगा? ये तो मैं आदेश दिखा रहा हूँ आपको, छोटे लाल बनाम स्टेट ऑफ UP का। वैसे इसका प्रावधान जो है वो 104 और 105 में किया गया है, और स्पष्ट प्रावधान है कि आपने अगर बिना कलेक्टर के परमिशन खरीद ली, वो प्रारंभ से ही तो रजिस्ट्री शून्य रहेगी। ऊपर का उस पर जो कुछ भी बना होगा, पेड़ पौधे जो भी आपने सुधार किया होगा, वो सब राज्य सरकार नियत कर लेगी, और कलेक्टर को ये पावर है कि वो पुलिस बल लेके आपका कब्जा भी हटवा देगा। ये तो हमने ओवरऑल बता दिया आपको जो कानून कहता है। अब ऑर्डर भी देख लीजिए। ठीक है, यदि आपने खरीद लिए तो
साथ ही एक चीज़ और, लीगल एडवाइस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमिका अंतरण, भूमिका अंतरण यानी कि भूमिका बैनामा यानी कि ट्रांसफर प्रभाव क्या होगा। प्रश्न है क्या, प्रश्न है क्या, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 166-167 यानी कि 104-105 जो कि वर्तमान में, जो कि ये कहती है कि आपने अगर खरीद ली SC ST से ज़मीन तो कहानी ख़त्म है, ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 166-167 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख के निष्पादन के 6 वर्ष की अवधि के बाद प्रारंभ की जा सकती है। सवाल ये है, कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो, हमने तो SC ST की ज़मीन खरीद के 8 साल हो गई, 12 साल हो गई, 18 साल हो गई, अब क्या कार्रवाई होगी, या 6 साल हो गई, अब क्या कार्रवाई होगी। तो सुन लीजिए, प्रश्न क्या था, क्या कार्रवाई की जा सकती है 6 साल तक। यह धारित किया गया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157 का के अंतर्गत सक्षम अधिकारी प्राज्ञा अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय विलेख शून्य रहेगा। यानी कि सीधी बात है कि ये धारित किया गया कि आपने SC ST की ज़मीन जो है साथियों, यदि बिना परमिशन के खरीदी थी, बिना कलेक्टर की ADM की परमिशन के आपने खरीदी थी, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे प्लॉट हो, तो प्रारंभ से ही विक्रय विलेख शून्य रहेगा। ये आप फिर देख लीजिए एक बार, विक्रय विलेख शून्य रहेगा, यानी कि जब वो शुरू से ही शून्य है, शुरू से ही उसे ख़त्म कर दिया है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो अब इस पर क्या हो सकता, कुछ नहीं। यदि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न किसी पक्ष में कलेक्टर से अनुज्ञा के बिना विक्रय विलेख निष्पादित किया गया तो वह शून्य होगा। उन्होंने ये कह दिया है कानून ने कि वो प्रारंभ से ही शून्य है, ठीक है। तो आप 10 साल, 12 साल, चाहे 20 साल, चाहे 25 साल कुछ भी करे रहो, ठीक है ना, वो प्रारंभ से ही शून्य था, और साथियों प्रारंभ से ही शून्य है, ठीक है साथियों। तो इसके मामले में है। अब कई लोगों का प्रश्न आता है कि महोदय हम SC ST की ज़मीन कैसे खरीदें। तो देखिए, कई लोगों को मेरे पास फ़ोन आते हैं कि महोदय हमें पता ही नहीं था ये SC ST की ज़मीन मैंने खरीद ली, ठीक है। तो मैं कहता हूँ, वही पैसा बहुत मेहनत से आप कमाते हो, आप जब भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफिकेशन करवाना चाहिए, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा, दाखिल खारिज है कि नहीं है, इस पर कोई लोन संबंधी तो नहीं है, सारी चीज़ें आपको दिखवानी चाहिए, ठीक है। और ये भी देखना चाहिए कि SC ST है, या ये भी देखना चाहिए कि ये जो है किसी राज्य सरकार या ग्राम सभा या किसी केंद्र सरकार की निहित भूमि तो नहीं है, ये सारी चीज़ें साथियों, ठीक है। तो जो है आप इस प्रकार से SC ST की ज़मीन खरीद सकते हैं। SC ST की ज़मीन खरीदने के लिए आपको Section 98 में परमिशन लेनी पड़ेगी, बाकायदा दावा करना पड़ेगा। और कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस, फॉर एनी लीगल एडवाइस, या आप कोई उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और जो भी ये सुविधाएं हैं वो फीस पे करके ले सकते हैं साथियों।